हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमडीकेएस अंसारी में। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रो कबड्डी सीजन 8 की स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रो कबड्डी सीजन 8 की ऑक्शन डेट क्या रहने वाली है। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रो कबड्डी सीजन 8 का ऑक्शन के ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रो कबड्डी सीजन 8 के मोस्ट ऑफ द ज़्यादा चांसेस कौन से डेट को स्टार्ट हो सकती है। तो गाइस, इस वीडियो में आपको इसका बताऊंगा। सो गाइस, बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं डेट्स के। तो गाइस, सबसे पहले आईपीएल की डेट आती थी। अगर आईपीएल की डेट कंफर्म आ जाती है तो आईपीएल के जो टाइटल ख़त्म होगा, आईपीएल के बाद प्रो कबड्डी हो सकता है या होगा, तो गाइस उसके बाद तो आईपीएल की डेट तो आ चुकी है, जो 19 सितंबर से खेला जाएगा और नवंबर के फर्स्ट ऑफ वीक में आईपीएल ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस, प्रो कबड्डी सीजन 8 की बहुत बड़ी सवाल आती है। अगर ऑक्शन होता है तो नवंबर में ऑक्शन होगा और जनवरी में शायद से प्रो कबड्डी सीजन 8 स्टार्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस साल प्रो कबड्डी सीजन 8 की ऑप्शन के ज़्यादा चांसेस नहीं लगते। मुझे लगता है कि डायरेक्ट जो ही वो प्लेयर्स थे वही प्लेयर्स दोबारा इस साल खेलने वाले, और मुझे लगता है कि आईपीएल के ख़त्म होने के एक वीक बाद प्रो कबड्डी सीजन 8 की स्टार्टिंग डेट आ जाएगी। यानी कि दोस्तों 15 नवंबर से प्रो कबड्डी सीजन 8 स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी लीग संडे को स्टार्ट होता है। तो गाइस, आईपीएल के ख़त्म होने के बाद संडे 15 नवंबर को आता है, तो इसी हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके बताया कि 15 नवंबर को प्रो कबड्डी सीजन 8 की स्टार्टिंग डेट देखने को मिल जाएगी। गाइस, बहुत सारे कबड्डी कम्युनिटी के यूट्यूबर्स भी बोलते हैं कि 15 नवंबर में ज्यादा चांसेस आते हैं, लेकिन दोस्तों अभी कोई अपडेट नहीं है। मैं कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं बोल रहा हूं कि 15 नवंबर से ही शुरू होगा, लेकिन दोस्तों ज्यादा चांसेस हम सबके अनुमान से लगता है कि 15 नवंबर तक प्रो कबड्डी सीजन 8 स्टार्ट हो सकता है। और दोस्तों, प्रो कबड्डी के रिलेटेड और दो नई बड़ी अपडेट आई है, वो भी अपडेट मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए। अगर जैसे ही इस वीडियो में 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। सो गाइस, फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। गाइस, आप मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।